यार अचानक से गाड़ी सामने आ गई यार, पंचर वाला मिल गया है। अभी ट्यूब डलवाते हैं क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, रिम पूरा बैंड हो चुका है। यहाँ पे एक लाइट और यहाँ पे बन रही है खिचड़ी। हमारा एमजी बहुत कमी ना, बहुत वेट कर रहे हो सुबह से। दो दो टेंट लगा दिया यहाँ पे, तो बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है एक यहाँ पे और हमारी वहाँ पे 94 वाली। ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है बाइकर मूवी के और एक हसीन दिन में। माय नेम इज आशीष चौधरी एंड यू आर वाचिंग द बाइकर मूवी। तो गाइस, आप फिलहाल देख रहे हैं डॉन का वीडियो जो हमने नाइट कैंपिंग की थी। एमजी का कॉल आता है मेरे पास कि भाई कहीं राइड पे चलते हैं, नाइट कैंपिंग करते हैं। बट मैंने उसको बोला कि यार अपडेट देता हूँ कि क्या मसला है, क्योंकि टाइमिंग पर बड़ा पंगा था मेरा। तो यार मैंने उसको बोला कि दो दिन के बाद मैं यार बोलता हूँ करना क्या है। दो दिन के बाद मैंने उसको रिप्लाई दिया, चलो चलते हैं, कहाँ चलना है। तो वो बोलता है कि कहीं भी चलते हैं। तो यार पहले तो हमारा कोई डेस्टिनेशन ऐसा कुछ फाइनल नहीं था, देन उसके बाद हमने फाइनलाइज किया कि चलो डॉन को चलते हैं, वो नजदीक ही है जो डांग में पड़ता है, तो हमने फाइनल कर दिया। बट संडे को हम निकलने वाले थे, लेकिन 11 o'clock को भाई उसका कॉल आया था कि भाई BMW वाले आ रहे हैं, तेरे को टेस्ट ड्राइव लेनी है क्या। मैंने बोलता है व्हाई नॉट, लेंगे ना, तो वहाँ जाना है। तो वो बोलता है कि थोड़ा डिले चलेंगे, आराम से निकलेंगे। तो हम लोग निकल जाते हैं, तो वहाँ जाके BMW के घोड़े खोलने में, वीडियो बनाने में इतना टाइम निकल जाता है कि घर से निकलने में 5 बज जाता है। तो 5:30 को मैं अराउंड आई थिंक इतने बजे ही निकला होगा, मैं 5:30 को निकल जाता हूँ और MG भी निकल जाता है। बट एक टेंट की कमी थी जो वो अपने फ्रेंड के पास लेने जाता है, तो उसी चक्कर में और भी डिले हो जाता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले तो अपने कहानी के मेन पात्रों से आपको मिलवा देता हूँ। MG जो MG जॉन, उसका यूट्यूब चैनल है, तो पहला किरदार है। एंड देन उसके बाद आता है आयुष जो उसका फ्रेंड है, और इसके बाद आता है तेजस जो उन दोनों का फ्रेंड है। उससे तो मैं फर्स्ट टाइम ही मिलता हूँ, बट यह मीटिंग अच्छी होती है। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है बाइकर मूवी के और एक हसीन दिन में। तो यार अपन फिलहाल जा रहे हैं डॉन अपने फ्रेंड के साथ, डोमिनार 400 लेके। अपन का फ्रेंड भी आ रहा है और फिलहाल अपन ऑन द वे, घर से निकल गए हूँ। एंड टाइम हो रहा है यार, मैं लेट हो गया हूँ, तो 5:24 5:30 बजने वाले हैं। बट फिलहाल रास्ते में ही और अपना डेस्टिनेशन थोड़ा दूरी पे ही है। तो यार अपन निकल गए हैं, अपन वहाँ पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे नाइट कैंपिंग करेंगे। अपना MG भाई टेंट लेके आ रहा है, मेरे पास तो नहीं है बट वो लेके आ रहा है। तो या अपन वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। बट सनसेट से पहले पहुँचने का प्लान था, बट यार डिले हो गया, रास्ता छोटा है यार। मत भगा है के अपने जज्बात को कंट्रोल कर ले, बाइक को मत उड़ा, मत उड़ा बे, नहीं उड़ाना यहाँ पे, थोड़ा आराम आराम से। और एनर्जी थोड़ी डाउन है भाई, पूरे दिन धूप में था, BMW चला के आया हूँ आज। बट वो वाला वीडियो पहला आ गया होगा, देन उसके बाद ये वाला वीडियो आएगा डॉन का नाइट स्टे। और बैग भी काफ़ी भर चुका है, चद्दर बद्दर सब ले लिया है मैंने, पावर बैंक एंड एवरीथिंग ऑल। मैं फिलहाल हूँ व्यारा एंड अपन के फ्रेंड भी व्यारा आ रही हैं। बट उसका कॉल आया कि भाई राइस ले ले, तो कोई ग्रोसरी शॉप में जाता हूँ और राइस ले लेता हूँ। बट शॉप कहाँ पे मिलेगी, 1 kg राइस लेना है, वहाँ जाके खिचड़ी भी बनानी पड़ेगी, तो यह राइस लेना पड़ेगा कंपलसरी। चौकी क्यों ला गए,
बहुत कमी ना हो, बहुत वेट कराते हो सुबह से। तो गाइस ये रहा अपन का लाइनअप, डोमिनर 400, डोमिनर 250 एंड डोमिनर 400 अपन की। एंड एम क्या, दिस इज अ लाइनअप। ओ भाई लाइट बंद कर दे। वाओ पहला गाड़ी सीधी कर, गाड़ी सीधी कर, भाई पब्लिक का रिएक्शन तो देखो। ये है एक है जो कि हमारे ब्लॉग में पहली बार आ रहा है। नहीं वैसे तो हम मिलते रहते हैं। तो इसका इसके चैनल का नेम है तो बाइकर मूवी। ऑलराइट गाइस, तो लिविंग फॉर दिस प्लेस ऑलरेडी अपन डिले हो चुका है यार। यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है एंड आईफोन को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यार वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा हो जाने वाला है। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, डिले हो गया। सनसेट से पहले पहुँचना था तो अपन वहाँ पे शूट भी कर सकते थे, बट अब शूट नहीं होने वाला। तो यार कोई बात नहीं, अब सीधा सीधा निकलते, अंदर हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। एचडी लाइट लगाई है तो थोड़ा आराम से निकलेंगे, बट वो एमजी है ना उसकी लाइट नहीं है तो उसको थोड़ा, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ब्यूटीफुल थार, नाइस कलर मैन। यार अचानक से गाड़ी सामने आ गई। भाई मैं अपने हिसाब से जा रहा हूँ, वो भाई मेरे को देखा फिर भी सामने से मुड़ गया। बोलो ये रास्ता तो आप देख रहे हो कितना सा है। तो भाई मैं जा रहा हूँ फिर भी अचानक आगे से मुड़ गया। ऑल राइट, तो अभी भी 81 किलोमीटर बाकी है एंड सनसेट हो गया है। तो यार अंधेरा तो होने वाला है, तो बाइक भगा रहे हैं जितना पॉसिबल हो, उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पायलटिंग कर रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने मैप नहीं लगाया। मैप तो लगा है बट मोबाइल स्टैंड नहीं है, तो या अभी पायलटिंग करके जा रहा हूं। एंड अपने बाइक के पीछे बहुत सारा पूरा सामान बांध दिया है क्योंकि उन लोगों के बाइक में वो बैक वाला कैरियर नहीं था। मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि भाई आप डोमिनारो टूरिंग करते हो, लंबी लंबी राइड करते हो, तो मेरी तरह ज़रूर कैरियर लगा लेना, बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। वो तो अच्छा है कि यार ट्रैकिंग बैग लेके आया बड़ा वाला, काम थोड़ा इजी हो गया, अंधेरे में दिखना कम हो गया है। भाई अपना राइडर कॉर्नरिंग करते हुए जाता। ओहो हो, डोमिनार पे कॉर्नरिंग हो रही है। कैरियन ब्रो, कैरियन अपन से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफ रोडिंग वाले टायर है ना इसीलिए, बट नो वरी, सामान भी बहुत बांधा हुआ है पीछे। तो हम व्यारा से निकलते हैं
व्यारा से निकलने के बाद थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, देन उसके बाद कैमरा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि सनसेट ऑलरेडी हो जाता है। तो मैं अपना गोप्रो ऑफ कर देता हूँ, देन होता है क्या है कि आगे चाय ब्रेक के लिए रुकते हैं हम लोग। चाय ब्रेक उसके बाद फिर से निकल जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तो हुआ ये कि डॉन पहुंचने में अराउंड 5 किलोमीटर बाकी रहता और तेजस का ये पंगा हुआ कि यार टायर है उसमें हवा कम थी तो खड्डे में गिरने से उसकी जो रिम आती है ना रिंग वो बैंड हो जाती है। तो यार हम तो ऑलरेडी डिले थे लेकिन उसकी वजह से और भी डिले हो जाता है और टाइमिंग ऐसा आ जाता है कि हम जहाँ पे पहुँचते ना वहाँ पे एक पंचर के अलावा दूसरा कोई पंचर वाला नहीं था। यार पंचर वाला मिल गया है, अभी ट्यूब डलवाते हैं क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, रिम पूरा बैंड हो चुका है। और पंचर वाला जो मिला उसके पास सिर्फ एक ही ट्यूब थी, वो भी छोटी वाली जो स्प्लेंडर या छोटी बाइक में लगती है और डोमिनार में तो बड़ी ट्यूब लगती है। बट क्या करें, डोमिनार का टायर थोड़ा बड़ा आता है, 110 का आता है, वो बड़ा पंगा था, छोटे वाले हम डाल देते हैं एंड धीरे धीरे डाउन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से 4 या 3 किलोमीटर बाकी रहता है, घाट चढ़ना शुरू हो जाता है। घाट चढ़ के फॉरेस्टर वालों से हम मिलते हैं कि भाई हमें नाइट कैंपिंग करना है तो यहाँ पे अच्छा स्टे कौन सा होगा। तो वो बोलते हैं कि यार नाइट में चीते सब कुछ आ जाता है तो आजू बाजू में कोई घर हो ना वहीं पे रुकना, तो वहीं पे रुकना वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम उसके हिसाब से अपना कैंप लगा देते हैं, देन तेजस की बाइक जहाँ पे रखते हैं ना वहाँ खड़ी खड़ी फिर से हवा निकल जाती है। हवा तो निकल जाती है बट क्या करें, अपना कैंप हम लगा देते हैं। दो दो टेंट लगा दिया यहाँ पे, तो बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, एक यहाँ पे और हमारी वहाँ पे 94 वाली ये अपन की, और ये सामान यहाँ पे, लाइट यहाँ पे एक लाइट, और यहाँ पे बन रही है खिचड़ी, हमारा एमजी भाई बनाएंगे खिचड़ी, और दो कारीगर रखे हुए हैं हमने हमने हाँ। लेबर, हमने लेबर। क्या बात कर रहे हो, एक आयुष भाई और ये तेजस भाई। भाई हमें कटिंग तो बहुत मस्त है। कैंप लगाने के बाद खिचड़ी बनाते हैं, 1:30 बजे हम खिचड़ी बनाते हैं, देन उसके बाद हमारा 18 टाइम होता है, 2 बजे 2 या 2:30 बजे हम खाना खाते हैं, सो जाते हैं।